जहाज हैजैक हो गया है, हमें इंडिया जाना है। ये फ्लाइट थी कराची से पंजगुर, पंजगुर से तुरबत, तुरबत से गवादर और गवादर से कराची। अच्छा, ये जो हाईजैकर्स बैठे थे ये तुरबत से बैठे थे, उनके पास हथियार पहुंच गए। फिर गवादर से जब मैंने टेक ऑफ किया है दस मिनट ही हुए थे, उन्होंने कहा हाईजैक हो गया। वो तीन लोग थे जो कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाना चाहते थे पाकिस्तान में और क्रिमिनल्स भी थे। पहले तो मैं समझा कि पता नहीं कोई पैसेंजर होता ना हिस्टेरिक हो जाना, मगर जब एक गन मेरी कनपट्टी पे और मेरे राइट किडनी पे आई तब एहसास हुआ कि हाईजैक हो गया। May 1998 संडे का दिन था। मेरी पोस्टिंग हैदराबाद में थी, मैं डिप्टी कमिश्नर था हैदराबाद में। तो मुझे वॉकी टॉकी पे मैसेज मिला, कंट्रोल जो पुलिस कंट्रोल होता है उसने मुझे कहा कि जी आप फॉरेन एयरपोर्ट पहुंचे। वायरलेस मैसेज आया, तमाम लोग इमीडिएटली पहुंच जाए हैदराबाद के एयरपोर्ट के ऊपर। मैं प्रेस क्लब में बैठा हुआ था, मुझे मेरे गनमैन ने आके मुझे बताया कि जी वायरलेस कंट्रोल पे मैसेज चला है, एक प्लेन हाईजैक हो गया और वो हैदराबाद एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला है। होकर मैं ऑटो पायलट नहीं होता तो आपको फ्लाई करना पड़ता है। मैं फ्लाई कर रहा था उस वक्त और उसने मुझे कहा बस चीख के कि इंडिया चलो। लाजमी था, इट वाज अ शॉक फॉर द पायलट। मैंने उसको बताने की कोशिश की, ये उसने कुछ नहीं सुना बल्कि मुझे प्रेस करता रहा। तो इतने में पीछे कोई आवाज आई, जैसे ही उसे पीछे देखा ना तो मैंने एक स्कॉक होता है हाईजैकिंग का जो रेडार पे ब्लिंक होता है कि ये जहाज हाईजैक हो गया है, वो मैंने स्कॉक लगा दी थी जल्दी में। सबसे पहले मेरे हेडसेट निकाल दिए उन्होंने, मेरे और मेरे फर्स्ट ऑफिसर के, और कोई कम्युनिकेशन हमारी ग्राउंड से नहीं हो रही। मैंने बाहर उनसे कहा कि जब तक मैं बात नहीं करूंगा तो बात कैसे, कहने नहीं बात नहीं करनी, सीधे चलते रहो। वो एक कुछ मैप लेके आए थे अपने साथ। जितना जाहिल हाईजैकर होगा इतना वो खतरनाक है, क्योंकि मैं जो बात कहता था तो वह कैसे कहते क्या क्या करना है, जहाज गिरा दो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और वो कंधे पे उन्होंने वाइट कपड़ा कुछ रखा हुआ था
तो उन्होंने कहा हम तो कफन साथ लेके आए। जब मैं ज़्यादा इशार करने लगा तो उसने मुझे कहा कि यार तुम इस तरह बाज नहीं आओगे। तो मेरे फर्स्ट ऑफिसर फैसल कुरैशी को उठाया और ले गए पीछे। बहुत मिन्नत से मदद करने के बाद 20 मिनट के बाद वो ले आया उस बच्चे को, मेरे फर्स्ट ऑफिसर को। उसने मुझे कहा सीधा चलना। अब आप सीधा अगर आप जाएंगे गवादर से सीधी लाइन खींचेंगे कराची को तो आगे जंगशाही आएगा, जंगशाही से आगे इंडिया आ जाएगा। अब मुझे ये भी पता था कि इंडिया का बॉर्डर कहाँ है, जाहिर है कि हर फ्लाइट को पता होता है। मेरा मसला ये था कि जब तक मैं ग्राउंड से बात नहीं करूंगा तो बात कैसे चलेगी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उनको कन्विंस किया कि मुझे सिर्फ बात करने दो। उसने कहा ठीक है एक शर्त पे कि आप उर्दू में बात करोगे। उर्दू में मैंने बात की ग्राउंड से। वैसे तो ये दिल्ली का कह रहे हैं मगर मेरे पास इतना तेल नहीं है। अब ये सुन रहा था, जब मैं मुझे अंदाजा हुआ कि मैं बॉर्डर के पास पहुंचने वाला हूं, मैंने एक एक डिग्री टर्न करना शुरू कर दिया जहाज को। हालात उस जमाने में अगर आप पढ़े तो ऐसे नहीं थे कि मैं वहां जाना अफोर्ड करता। फिर मैंने इंग्लिश में बात की किलो डेल्टा। किलो डेल्टा का मतलब ये जो वहाँ पे एक नॉन डायरेक्शनल बीकन है जो हमें नेविगेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग, वो हैदराबाद का है। अगर मैं इंडिया जाऊँगा तो इंडिया वाले मार देंगे। आखिरी चीज क्या होगी मेरे साथ, कि मर जाएंगे। इतनी तो कोशिश करो कि किसी तरह लैंड कर जाऊं मैं जमीन पर। तो मैंने इससे कहा तुम्हारा काम तो होगा नहीं, तो मुझे तुम इंडिया में लैंड करने दो भोज में। तो वो राजी हो गया कि आप लैंड कर जाओ। मैंने कहा यहां से तेल लेके वहां दिल्ली चलेंगे। एयरपोर्ट मैनेजर को कहा कि ये क्या ये भोज का हवाई अड्डा है, तो हैदराबाद वाला फौरन समझ गया कि ये हाईजैक हो चुका है जहाज। तो उसने कहा कि हाँ ये भोज का हवाई अड्डा है। तो वो देखते जा रहे हैं अपने नक्शे के ऊपर, तो उनको एक इंडिया की नदी नजर आनी थी। वो एक्चुअली दरियाए सिंध को वो नदी समझ बैठे। मैं तकरीबन एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो चुका था और जहाज मेरे साथ ही वो लैंड कर रहा था रनवे पे। रात के अंधेरे में मैंने लैंड किया हैदराबाद। मैंने कहा बस ये है जो मैं अचीव करना चाहता हूं। उन दिनों में भारत 13 मई को गालबंद मुझे याद पड़ता है अपने एटमी धमाके कर चुका था और पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, और ये भी था कि अगर पाकिस्तान एटमी धमाके करने जाएगा तो शायद हिंदुस्तान जो है वो हमला कर दे। इस तरह की बातें आ रही थी। तो हमारा ये ख्याल था एयरपोर्ट में बुलाया है तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा नेशनल इवेंट हुआ है। मैंने गाड़ी पार्क की तो वहां पर अख्तर गोरचानी साहब उस वक्त एसएसपी थे हैदराबाद के, एएसपी लतीफाबाद जिनका ये इलाका था वो उस कैप्टन उस्मान अनवर थे जो भी आईजी है पंजाब के, वो भी उनके साथ पहुंच चुके थे। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो इंतजामिया के लोग थे, रेंजर्स के लोग थे, ISI MI एजेंसीज के लोग थे। गोरचानी साहब और मैंने जाकर एयरपोर्ट मैनेजर से पूछा तो उसने कहा कि जी आपको पता नहीं ये जहाज हाईजैक हो गया हुआ है। तो हम आगे जहाज बिल्कुल दरमियान में आके रनवे के खड़ा हो गया। सुहेल अकबर शाह हमारे डिप्टी कमिश्नर थे, मुश्ताक शाह साहब हमारे DIG थे, अख्तर गोरचानी साहब हमारे SSP थे। अख्तर गोरचानी साहब भी वहां पहुंचे हुए थे। लैंड तो कर गया, मैं खड़ा कर दिया रनवे पे जहाज। कोई बात नहीं हो रही मेरी टावर से, थोड़ी देर में फ्यूल खत्म हो जाएगा। अब फिर मैंने फिर टॉर्च निकाली, मैंने टॉर्च हाईजैकर्स के हाथ में दी क्योंकि मुझे पता था कि अगर पूरा डार्क हो गया तो ये पैनिक हो जाएगा और ये फायरिंग कर देंगे किसी को। मैं देख रहा था मूवमेंट हो रही है। उस दिन हमारे साथ एक ग्राउंड इंजीनियर भी थे चौधरी साहब, तो मैंने कहा यार इनको भेजें, पानी वानी तो लेके आए।
जो दूसरी तरफ था जहाज के SHO, उसने वॉकी टॉकी पे हमें बताया कि जी जहाज का दरवाजा खुला है। एक आदमी था यूनिफॉर्म में PIA के, वो तेज तेज चलता हुआ एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था। एक तो वो कुछ परेशान भी था और फिर अंधेरा भी हो रहा था। जैसे वो हमें नजदीक पहुंचा तो हमने उसको जब हाथ से पकड़ा तो वो परेशान हो गया और उसने कहा कि जी देखे देखे हमारा जहाज हाईजेक हो गया है और हम आपके पास इधर हमने लैंड किया है। हाईजैकर्स कह रहे हैं कि जी फ्यूल दे, हमने आगे जाना है। तो हम उसको लेकर वापस एयरपोर्ट की तरफ चलने लगे। तो ऐसे चलते चलते उसने पूछा कि ये कौन सी जगह है। तो हमने उसको कहा हैदराबाद। तो उसने कहा हैदराबाद, लेकिन हमें तो पायलट ने बताया कि मैंने इंडिया में लैंड किया है। जो एयर होस्टेस है उनका भी ये ख्याल था कि ये इंडिया है। अच्छा, ये जब मैंने उसकी बात सुनी तो मैंने गोरचानी साहब ने मशवरा किया और हमने एयरपोर्ट मैनेजर को कहा कि लाइट्स बंद कर दो एयरपोर्ट की, कहीं भी कोई हैदराबाद लिखा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। उस रात हैदराबाद में सोहेल अकबर शाह साहब की वजह से उन्होंने सारे SHOs को, मजिस्ट्रेट्स को, उनको दौड़ाया तो हैदराबाद में ना अजान नहीं कराई रात की हमने, ताकि उनको आवाज ना आ जाए। हमने उसे पूछा आप पायलट हैं? उसने कहा नहीं मैं पायलट नहीं हूँ, मैं PIA में इंजीनियर हूँ और मैं कोई इक्विपमेंट ठीक करने गया हुआ था गवादर में, तो अब मैं एज अ पैसेंजर ट्रेवल कर रहा हूँ। लेकिन हमारी वो होती है ड्रिल के हमें यूनिफॉर्म में करना होता है, तो मैं तो एज अ पैसेंजर पीछे बैठा हुआ था। लेकिन जी मुझे उन्होंने भेजा है कि आप बात करो और फ्यूल लेकर आओ। तो थोड़ी देर के बाद पायलट की कॉल आई, उसने कहा PK554 फॉर भोज टावर, PK554 फॉर भोज टावर, डू यू कॉपी। अब हम सारे चुप हो गए, अब हम सारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दो तीन दफा थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो ये कॉल कर रहा था PK544 भोज टावर। मैंने वो उठाया वायरलेस और मैंने उसको कहा कि 554 दिस इज भोज टावर। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा जी मेरा जहाज हाईजेक हो गया हुआ है, हाईजेकर्स मेरे साथ है। मैंने उसको कहा कि जी मेरी आप हाईजेकर से बात कराएं। टावर से बात करवाई मैंने इसकी, मैंने कहा तुम बात करो। उसने कहा जी हमने हाईजेक कर लिया, हमें पेट्रोल दें और हमने जाना है दिल्ली। मैंने कहा आपको कोई इधर जहाज खड़ा हुआ नजर आ रहा है? ये तो बहुत दूर है, बिल्कुल डेजर्ट में, ये गांव है कच्छ में, आधे घंटे में यहाँ तेल नहीं पहुंच सकता, मैं आपको तेल दूंगा बिल्कुल। तो वो कहने लगा कि अगर आधे घंटे में तेल नहीं पहुंचा तो मैं हर 5 मिनट के बाद एक पैसेंजर को गोली मारकर लाश बाहर फेंकता जाऊंगा। अच्छा, मैंने थोड़ा बोल्ड होकर उसको कहा कि जी ये तो वैसे हमारा दुश्मन है, ये जो तुम्हारे साथ लोग हैं, तुम आधे आधे घंटे के बाद क्यों मारते हो, अभी मारकर सबको फेंक दो। लेकिन अगर तुम्हें तेल चाहिए और अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें मुझे टाइम देना पड़ेगा। वो कहने लगा ठीक है, लेकिन कोई होशियारी मेरे साथ नहीं करना। अब इतनी देर में बाकी भी सीनियर ऑफिसर्स भी सारे उधर आ गए हुए थे, आर्मी के भी, सिविल के भी। तो हमने उनसे कहा कि जी बताएं अब क्या करना है। उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो ये बिल्कुल रनवे के सेंटर में जहाज खड़ा हुआ है, तो आप उनके साथ बात करो और ये कोशिश करो कि ये जहाज को आगे ले जाए रनवे के कोने में। मैंने फिर उसको कहा कि मैं जहाज आगे जाके खड़ा कर देता हूँ कोने पे, क्योंकि मैं ट्रैफिक कंट्रोल में रह चुका था, मैं चाहता था इसको आइसोलेट रखूं। वो जो उनका हेड था, शहसवार नाम था उसका, वो कहने लगा आप
कोने में ले जाकर हमें मारना चाहते हो। मैंने कहा जी देखो मारने की बात है तो इधर भी आप हमारे टारगेट पर हो, लेकिन हम तो मारना नहीं चाहते, हम तो आपके लिए सहूलत कर रहे हैं कि लोग आए आप उनसे बात करें। तेल आएगा तो तेल कहाँ उतरेगा, ट्रकों में तो नहीं पहुंच सकता यहाँ पर, ये तो हम बहुत दूर है। तो खैर वो आ गया हमारी बातों में, वो जहाज को आगे ले गए। जितना भी बच गया था पेट्रोल तो वो मैंने उसको मैं टैक्सी किया जहाज को, और रनवे के जहां से लैंड किया तो उसके अदर साइड पे पार्क कर दिया। हमने कहा जी हम आपको पानी भेज रहे हैं, अंदर पानी वानी पता नहीं जहाज में है या नहीं है। उसने कहा नहीं कोई नहीं आएगा जहाज के नजदीक, ये जो हमारा आदमी आया हुआ है इसको पानी दो, ये इधर लेकर आएगा। तो मैंने उसको कहा कि उसको तो ब्लड प्रेशर भी उसका बढ़ गया हुआ है, वो लेटा हुआ है, मेरा डॉक्टर उसको ड्रिप लगा रहा है, तो आप इजाजत दे हम कोई दूसरा आदमी भेजते जो पानी आपको दे जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिप्टी कमिश्नर और जो SDM थे वहां, मिनरल वाटर की बहुत सारी बॉटल्स उन्होंने मंगवा ली। पानी पे भी हमने ये ख्याल किया कि उस पे जो बोतल पे मिनरल वाटर पर जो रैपर लगा होता है उस पे कोई भी चीज उर्दू वाली नहीं लिखी हुई हो, तो वो इंग्लिश में जो लिखे हुए थे वो बोतलें हमने उसको दी। अब सवाल ये था कि उनको देने कौन जाए, तो फिर मैंने वॉलंटरली कहा कि चले मैं देने जाता हूँ। और उस वक्त चूंकि छुट्टी का दिन था, मैं भी सिविज में था, पैंट शर्ट में था, और दो शॉपर्स में वो पकड़ के तो मैं बाहर निकलने लगा, तो मैंने देखा दो ASP हमारे बाहर खड़े हुए थे कॉरिडोर में, एक ASP थे यूनिफॉर्म में और एक ASP वो पैंट शर्ट में थे सिविज में, डॉक्टर उस्मान अनवर जो आजकल IG पंजाब है। तो आप मुझे पता था कि ये तो पाकिस्तानी एजेंसी सारा काम करेंगे, जिसमें बहुत तारीफ करूंगा पुलिस की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, ISI की, और जो हमारी आर्मी है। तो अख्तर गोरचानी साहब ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तो हम दोनों एयरपोर्ट की बिल्डिंग से सीढ़ियां उतर के तो हम रनवे की तरफ जाने लगे। मुझे ये जहन में आ रहा था कि वहाँ जाके अगर हमें कम्युनिकेशन करनी पड़े अपने लोगों से, तो मैंने कंट्रोल को ये कहा कि मैं एयरपोर्ट मैनेजर बन के जा रहा हूँ, और ASP का मैंने कहा कि असिस्टेंट एयरपोर्ट मैनेजर बना के मैं लेके जा रहा हूँ, और हमने अपने नाम भी रख लिए। अब मसलन मैंने ASP का नाम रामचंद्र रख लिया, अपना नाम मनोज कुमार रख दिया, और डिप्टी कमिश्नर के लिए हमने गोपीचंद का नाम सजेस्ट कर दिया कि अगर गोपीचंद कहें तो दैट मींस कि हम DC के लिए ये मैसेज है। उस मौके पे जब आप चले जाते हैं ना, अभी आप ये सब कुछ सोचेंगे या मैं बैठ के सोचूं तो शायद खौफ नामी चीज आती है, लेकिन जब आप मौके पे होते हैं तो उस वक्त खौफ या डर नहीं होता, अब उस वक्त आपका दिमाग और तरह से चल रहा होता है। तो मैं जाने लगा तो उस्मान ने थोड़ा मुझे उस वक्त रियलाइज करवाया कि सर देख लें रिस्क है, मतलब कुछ भी हो सकता है, हम लोग अनआर्म्ड हैं, वो लोग जाहिर है मुसल्ला हैं। मैंने कहा यार जो मौत किसी लम्हे आनी है तो वो उसी वक्त आनी है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, मैं आगे चला गया। हम यही डिस्कस करते जा रहे थे मैं और उस्मान के, वहाँ चल के ये कोशिश करेंगे कि पानी देते हुए इन लोगों को एंगेज करें, किसी तरह ये हमारी बातचीत में हमारे साथ एंगेज हो जाए। गुरचरणी साहब को मैंने रस्ते में कहा कि सर मेरी तो जेब में पैसे हैं, ये तलाशी ना ले लें। तो 500 रुपये बड़ी वैल्यू रखते थे उस टाइम पे, तो मैंने एक पत्थर के नीचे रखे, वो बाद में खैर काम मिलने थे। हम लोग पहुंच गए वहाँ, ऑलमोस्ट कोई 200-300 मीटर दूर जहाज खड़ा हुआ था अंधेरे में, पेल सी लाइट्स हैं, बिल्कुल डिम लाइट्स, और उनमें हमने देखा मुसाफिर जो है बेचारे गर्मी से कोई अखबार और या इस तरह की चीज़ें ऐसे जैसे पंखा चल रहे हैं अपने आप को। तो हमने उनको ऐसे इशारे करके बताया कि ये पानी हम आपके लिए लाए हैं, तो लेकिन वो आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। फिर हमने वॉकी टॉकी से कंट्रोल को कहा कि इन्हें पायलट के थ्रू इन्हें बताएं कि हमारा एयरपोर्ट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर पानी आपके लिए लेके आए हुए हैं, तो आप आके पानी ले लें। तो उनका रिस्पॉन्स ये मिला कि हमें कंट्रोल ने कहा जी वो कह रहे हैं कि हम आगे नहीं आएंगे, आप यहीं पानी रख दें और वापस चले जाएं।
अब मेरी ये कोशिश थी कि हम इनको किसी तरह एंगेज करें बातचीत में। मैंने कंट्रोल से कहा कि इनको कहो हम इंडियन बहुत खुश हैं कि आपने ऐसा काम किया है, तो हम तो आपका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। थोड़ी देर तो वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, क्योंकि हम भी इंसिस्ट करते रहे। फिर थोड़ा करीब होके हमने उनको आवाज़ें लगाई, भाई आप आ जाएं, हम आपके मित्र हैं, हम आपके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और हम लोग बहुत खुश हैं इंडिया वाले, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो काफ़ी हेजिटेशन के बाद जाके तो मैंने देखा कि वो तैयार हुए। वो बता के गया था दूसरे को, दूसरा बंदा उसका नाम मैं भूल गया हूँ, कि इससे गन नहीं हटाना, कहना जैसे ही मुझे वहां से मौका इसको मार दे। उस जमाने में हिंदुस्तान की डिश आ गई थी स्टार प्लस कहते थे उसको, उसके ऊपर हिंदी ड्रामे आया करते थे तो वो थोड़ी बहुत आ जाती थी जबान। और हाँ, अख्तर गोरचानी साहब को बड़ी प्रॉपर वो वाला लहजा मुझसे बेहतर आता था। तो बड़ी मेरे ख्याल है कुछ हेजिटेशन के बाद उसने आवाज लगाई कि एक बंदा आगे आए और हाथ ऊपर करके आए। तो मैंने कहा फिर चलें आप भी हाथ ऊपर करके आए। मोटो उनका मेरा जो समझ में आया वो सिर्फ ये था कि उन दिनों के हालात में जो हमारे हालात थे वो ये था कि यार किसी तरह इंडिया चला जाएगा, तो वो इंडिया बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाता। फिर हम, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इतनी आसानी से हम ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर सकते थे। जैसे एक थ्रिल भी होती है और एक सनसनाहट भी होती है कि एक रिस्क है, कुछ भी हो सकता है। अब बड़ा फिल्मी सा सीन था कि इधर से मैं हाथ ऊपर करके जा रहा हूँ, उधर से वो बंदा आगे आ रहा है। खैर आगे गए, जब करीब आए तो मैंने उसको गले से लगा के बहुत थपकी दी और बड़ा जितनी मुझे हिंदी आती थी मैंने सारी खर्च कर दी। मैंने कहा हम लोग इंडिया वाले आपके इस बात से बहुत खुश हैं और आपको दिल से अपना मित्र समझते हैं, आप का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। गोरचानी साहब नहीं घबराते थे बिल्कुल, और वहाँ पे उन्होंने वेपन पे ले लिया और हमें बिठा दिया, फिर पानी देने का कहा, तो वहाँ चले गए और उनको पानी दे दिया। उस जमाने में ये बाकी चैनल्स तो नहीं आते थे, जी टीवी आता था, तो वो जी टीवी के ड्रामे देख देख कर जो हिंदी के कुछ लफ्ज आते थे, हम वो लफ्ज हिंदी के उनके बोल रहे थे उनको यकीन दिलाने के लिए कि जी हम इंडियन ही हैं। तो खैर वो भी मुतमैन हो गया, बड़ा खुश हो गया, कहने लगा जनाब हमें आप अपने वज़ीर आज़म से मिलवाएं, अपने सदर से मिलवाएं, हम तो ऐसे बहुत काम करेंगे। तो मैंने कहा आप फिक्र नहीं करो, आप चिंता नहीं करो, हम आपको अपने प्रधानमंत्री से भी मिलवाएंगे, राष्ट्रपति से भी मिलवाएंगे, बेफिक्र हो जाएं, अब आप यूँ समझ लें आप अपने घर में आ गए। तो थोड़ी देर में जनाब हमारी दोस्ती हो गई। रनवे पे वो भी आलती पालती मार के बैठ गया, मैं भी उसके साथ बैठ गया। तो जब बातचीत शुरू हो गई तो मुझे लतीफे सुनाने का तब भी बड़ा शौक था और हमने लतीफे सुनाने शुरू कर दिए कुछ पाकिस्तान के बारे में, कुछ और चीजों के बारे में जो के उनको पसंद थी, तो वो फिर हंसना हंसना शुरू हो गया, गपशप शुरू हो गई। अब उस्मान ने भी उनको खूब उल्टी सीधी लगाई। उस्मान ने कहा मैंने अपनी फैमिली को लेके जाना था गंगा होटल में, उनको आज खाना वाना खिलाना था, यार आपकी वजह से देखो हमारी छुट्टी खराब हो गई।
अब वो मुझसे सवाल पूछे जा रहा है जिनके मुझे जवाब बिल्कुल नहीं पता। वो मुझसे पूछे दिल्ली किस तरफ है और कितना दूर है, तो मैं ऐसे तुक्का लगा देता, जी इस तरफ 500 किलोमीटर है, जी बॉम्बे किस तरफ है, जी वो इस तरफ 300 किलोमीटर। इसी तरह हमने बातों बातों में उनसे पूछ लिया कि यहाँ इंडिया में तो हमारी बड़ी सख्त चेकिंग होती है और कोई बंदा इस तरह प्लेन में नहीं सवार हो सकता हथियारों के साथ या बम के साथ, तो आप कैसे जहाज में सवार हुए? कहने लगे जनाब कोई एहलकार था, उसको हमने कोई 1-1.5 लाख रुपए दिए। हमने कहा जी हम ड्रग्स लेके जा रहे। जब उन्होंने देखा कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है तो उसने सामान तीसरी फागाल में चेक ना किया, तो इनको अंदाजा हो गया कि अब इसको हमारे पे कॉन्फिडेंस हो गया कि हम उन्हें शियात के स्मगलर हैं। तो तीसरी दफा के बाद इन्होंने जब चौथी दफा गालबन इसको अंदर सामान की जगह पे इन्होंने असलहा डाल दिया और पाउडर डाल दिया, जैसे गन पाउडर होता है कि हमने जहाज को उड़ाना है, यानी कि बॉम्ब। अब काफी देर हो गई बातों में लगाते लगाते, फिर हम लोग टहलना शुरू कर देते। उनको भी अब हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हम थोड़ा सा साइड पे होके, तो वॉकी टॉकी से मैं कंट्रोल को थोड़ी सिचुएशन बता देता था कि अब हमने इनको बातों में लगाया हुआ है, और पूछ लेते थे कि भाई अब कितनी देर और हमने इनको बातों में लगाना है। बैक ऑफ द माइंड मेरा यही था कि जो कुछ भी इनको कमांडो एक्शन करना है, जो कुछ भी करना है वो सुबह से पहले करना है। ब्रेक थ्रू यूं आया कि उन्होंने कहा कि अंदर ना एसी नहीं है, तो गर्मी बड़ी शदीद थी। जहाज में हमें पंखे लगवा दें, मुसाफिर गर्मी से बहुत तंग हो रहे। तो हमने जी उनको कंट्रोल को मैसेज दिया कि जनरेटर की ज़रूरत है, जनरेटर भी भेज दें, और कोड वर्ड्स में उनको कहा कि साथ कोई समझदार बंदा भी भेज दें। हमें ये था कि चले हमारी तादाद बढ़ती जाएगी, एक और बंदा ट्रेंड आ जाएगा। तो वहां पर फिर ISI के मेजर आमिर भी थे, तो हमने उसको कहा कि आप लोग ये डांगरी पहन लें, जो एयरपोर्ट के लोग काम करते हैं उधर उनका यूनिफॉर्म होता है। मेजर साहब जो है ना वो बड़े प्यारे आदमी थे, उनकी लंबी कलमें और वो लगते नहीं थे फौजी। वो डांगरी पहन कर आए जनरेटर लेके, अब जनरेटर आ गया, इसी कोशिश में लगे रहे कि अब पंखे कैसे चलें जहाज के अंदर। टेक्नीशियन के बहाने से पहले उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। पहला बंदा जो दाखिल हुआ लैंड करने के मेरे ख्याल से 3 घंटे बाद, मेजर आमिर को और उस्मान अनवर को मेरा यही होता था कि अंदर इसी बहाने जब आप पंखे लगवाने जाएं अच्छी तरह असेस कर लें कि क्या यही 3 है या इनके अलावा भी कोई है, और दूसरा ये कि पिस्टल्स तो नज़र आ रहे हैं तो क्या कोई बॉम्ब भी है या कोई ऐसी चीज़ भी है। जब आप अंदर चले गए दोनों, मैंने एयर होस्टेस से पूछा आंखों में के कितने बंदे हैं, तो उसने मुझे इशारा किया 5 का, तो मुझे पक्का हो गया 5 है। बहरहाल वहां हमने पंखा लगाया जो पेडिस्टल फैन होता है, हवा शवा आनी शुरू हुई। तो उस वक्त तक तो इतना कॉन्फिडेंस उनका हमारे ऊपर बढ़ चुका था कि वो उस्मान अंदर चला जाता था जहाज में, हाईजैकर्स के साथ घूमता फिरता रहता था, मेजर आमिर भी पायलट के साथ और आगे वाले गेट से वो भी घूम फिर रहा था, और वो बिल्कुल मुतमैन थे और उन्हें ये था कि बहुत ही सेफ हैंड्स में है और बिल्कुल कोई उनको परेशानी नहीं थी। अब हम प्लान करने लगे, हमने उनको कहा कि जी अब देर हो रही है, तो हम अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके पैसेंजर्स के लिए खाना वाना लेकर आए। फिर इस बीच में हमें DC की कॉल आई, सुहेल अकबर शाह हमारे डिप्टी कमिश्नर थे वहाँ, उनका मुझे मैसेज मिला कि मैं इनके लिए खाना लेके आया हूँ।
जो उनका सरगना था शाह सवार, तो मैंने उसको कहा कि यार हमारे यहाँ तो ज़िले का जो अफसर होता है उसको कलेक्टर कहते हैं इंडिया में, तो मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं। तो कहते हैं जी हमारे यहाँ डीसी कहते हैं। मैंने कहा हाँ बस हमारा डीसी जो है ना गोपी चंद बहुत अच्छा आदमी है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो वो हमने उनको बोला हुआ था आपके लिए कि खाना बनवा के लाए क्योंकि मुसाफिर भी भूखे हैं आप लोग भी, तो आप कहो तो उनको बुला लें। खाने में हमने शॉर्ट आउट किया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जिस पे उर्दू में लिखा हो, और उन्होंने जो खाना था ना हमें भिजवाना था जब, वो भी उन्होंने थाईलैंड की डिक्शनरी जो कि शायद गुरुमुखी टाइप फॉन्ट में लिखी जाती है उसमें खाना फोल्ड करके भेजा। तो सुहेल अकबर शाह वाज अ जीनियस, और गुरचानी साहब की बहादुरी थी, और मैं तो वैसे ही हरावल दस्ता टाइप था। खाने में हमने सॉर्ट आउट किया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जिस पे उर्दू में लिखा हो। इवन उस ज़माने में जो पेप्सी के टिन आते थे वो दो किस्म के थे, एक दुबई से आते थे जिस पे पेप्सी लिखा होता था, और एक पाकिस्तान में बनते थे जिस पे पे से पेप्सी लिखा होता था। तो हमने वो पे से पेप्सी वाले निकाल दिए, सिर्फ पेप्सी जिन पर लिखा हुआ था वो हमने रखे। मैंने वॉकी टॉकी पे कॉल की कि गोपी आप आ जाएं खाना लंच बॉक्सेस लेके, तो इसी तरह सुहेल अकबर शाह भी आ गए। तो हम हिंदू अपने आप को पोर्ट्रे कर चुके थे, खाना आ गया मुसलमानों वाला। सबको उन्होंने कहा कि जी ये अभी खाना आ रहा है। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये है, देखें बीइंग अ कैप्टन आप एक तरफ नहीं सोचते, उसमें ये था कि यार अभी इतने तो पढ़ाई किए हुए थे वो, अभी ये कहीं से खाना लेके आए उस पर लिखा हो फुलैली हैदराबाद, फिर क्या होगा, कहानी ख़त्म। डीसी ने बताया कि जी ये हमने आपके लिए ख़ास तौर पर हमने एक मुस्लिम एक रेस्टोरेंट को खुलवा के तो आपके लिए ये हम तैयार करा के लाए। अब हम लोग इतने मोहतात थे कि एसपी साहब ने जैसे ही वो कबाब की तरफ हाथ डाला तो मैंने फौरन मैंने कहा इसको तो शक हो जाएगा, तो मैंने उस कहा महाराज देखो हम लोग मांस नहीं खाते हैं। तो भूख ज़्यादा लगी तो फिर हमने कहा कि यार वो चले हम पढ़े लिखे लोग जो है ना वो आजकल हम ये खा लेते। तो गोरचानी साहब समझ गए, उन्होंने गुस्से से मुझे देखा कि भूख लगी हुई है, उन्होंने फौरन चिकन उठाया और उनको कहने लगे महाराज लेकिन हम चिकन खाते हैं, हम सब जो है बीफ नहीं खाते लेकिन हम चिकन खाते हैं। दिल बड़ा करे, अच्छा वो था भी फ्राइड, सुहेल अकबर शाह साहब ने भेजा, बड़ा ही टेस्टी और बड़ी स्मेल अच्छी लगे। तो मेजर आमिर तो बहुत तेज थे, उन्होंने कहा मैं तो छुप छुप के खा लेता हूँ, तो उन्होंने खा लिया फ्राइड चिकन, लेकिन मैं चूंकि पक्का हिंदू बना हुआ था तो मैंने ना खाया। और फिर वो जो डबल रोटी आई थी साथ, वो गालबन जो कराची ब्रोस्ट और तो वो जो है ना वो फिर वो खा लिया था। तो उनके साथ खाना चल रहा है और गपशप भी हो रही है। बच्चे बड़े बिलक रहे थे और बच्चे भी थे और औरतें बड़ी तकलीफ में थी क्योंकि पानी पीते जाते थे पसीना निकलता जाता था पंखा जितना भी, और बाहर बड़ी अच्छी हवा थी। तो मैं अब नीचे आया, मैं उनके साथ, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि ना बच्चों औरतों को छोड़ दो। उसने कहा नहीं हमने नहीं छोड़ना। तो उसने कहा कि तुम्हें तो पता है जहाज का, तो मैंने तो यही कहना था मुझे पता है, पता मुझे काख भी नहीं था, अभी भी नहीं पता जहाजों का। तो वो कहता है इसमें पेट्रोल का है जहाज में। तो मैंने कहा कि पेट्रोल का आपने क्या करना है? उसने कहा वहां ना मैंने गोलियां मारनी है जब इवेंट खत्म हो जाएगा, और जब मैं जी टीवी को इंटरव्यू दे रहा हूँ तो वो मैंने फाड़ देना है, उसको आग लगेगी जहाज को, पाकिस्तान एयर PIA लिखा था ना उस पर। अब अगेन जी टाइम इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, और हमें ये परेशानी कि हैदराबाद एयरपोर्ट के जो नियॉन साइंस होते हैं कि कहीं वो ना इनको नजर आ जाए। हमें यह था कि अगर सुबह हो गई तो वो ना मस्जिद और हैदराबाद नजर आ जाएगा। शाह सवार मेरे साथ था तो मैंने उसको कहा महाराज देखो जहाज का AC जो है वो भी अब कमजोर हो गया है, लाइट्स भी डिम हो गई हैं, लोग बड़े अंदर परेशान हो रहे हैं, तो ये जो महिलाएं और बालक हैं
इनको आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए छोड़ो, ये एयरपोर्ट की बिल्डिंग में बैठते। तो वो इस पे नहीं मान रहे थे कि नहीं सर ये तो मुश्किल है, ये हम नहीं कर सकते। सुहेल ने उनसे कहा कि नहीं मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, आप इनको औरतों बच्चों को छोड़ दें। तो मैंने कहा यार देखो तो हमारा कलेक्टर, हमारा डीसी देखो कितना अच्छा आदमी है, वो आपकी मिन्नत कर रहा है। खैर जब अंदर भी गए तो मैंने कहा कि जी महिलाएं बालक आ जाए, अब कुछ लोग नहीं समझ रहे थे तो मैंने कहा कि जी लेडीज बच्चे आ जाए। मैंने एयर होस्टेसेस को भी कहा कि जी आप लोग जाएं एयरपोर्ट पर बैठे। एयर होस्टेसेस के नाम जहां तक मुझे याद पड़ता है अस्मा ईरानी और खालदा अफरीदी थे, तो वो बड़ी बहादुर लड़कियां थी। उन्होंने कहा जी हमारा जीना मरना हमारे कैप्टन के साथ है, हम जहाज छोड़ के नहीं जाएंगे। अब हम लोग मुतमैन थे कि चलें अगर कोई गोली भी चलती है या कुछ भी होता है तो एटलीस्ट औरतें और बच्चे हमने महफूज कर लिए। मैं बार बार डीआईजी को कन्वे कर रहा था कि ये कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंड हाईजेकर नहीं लगते, तो मैंने कहा हम चार हैं और ये तीन हैं, उनके पास लगता नहीं है कि पिस्टल्स के अलावा कोई बॉम्ब वगैरह हों। तो अगर थोड़ी सी हमें इजाज़त दें, आप हिम्मत हम कर लें तो मेरा ख्याल है हम इनको ओवर पावर कर लेंगे। तो बार बार हमें जवाब मिलता था कि नहीं आप रिस्क नहीं लें, तो ये हमारे लिए बड़ा तशवीश हमें हुई कि सुबह हुई और उनको सारा ज़रा सा भी ये प्लान उनको पता चल गया या हमारा भांडा फूट गया, तो हमारी तो बिल्कुल निहत्ते थे और उनके रहमो करम पे होंगे, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। गोरचानी साहब से मैंने ये मशवरा किया कि जी आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी देखें वो लोग ग्राउंड पे नहीं हैं, ग्राउंड पर हम लोग हैं, हम उनसे ज़्यादा सिचुएशन समझते हैं। और आप जो ये बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं कि अजाने भी इधर आनी शुरू हो जाएंगी कुछ अरसे में, तो यू आर द बॉस, आप बताओ क्या कर रहे हैं, हम वो करते हैं। गोरचानी साहब शेर है, उन्होंने कहा कि कर लो, मैंने वॉकी टॉकी बंद किया, बाहर से कम्युनिकेशन खत्म। फिर हमने जितनी देर में वो दूर रहा हमने प्लान किया। अच्छा इकट्ठे नहीं होते थे वो बिल्कुल, इसलिए उनको बुरा पता था। अब हमें ये ब्लफ था कि जो दो बंदे हैं ये इनके बंदे नहीं है, ये तीन बंदे हैं, एक नीचे है, दो को हम इकट्ठे दरवाजे पे ले आए। वो जब इकट्ठे दरवाजे पे आ गए तो फिर हमें ये था कि अब इन्हें हम गिरा सकते हैं। सामने इधर जहाज खड़ा है और रनवे पे मैं शाहसवार के साथ वॉक कर रहा हूँ, उससे गपशप बातें कर रहा हूँ साथ साथ। उस्मान और एक हाईजैकर के साथ एक गेट पे उससे गपशप कर रहे हैं, दूसरा मेजर आमिर उस दूसरे हाईजैकर से गपशप कर रहे हैं। अब जब मैंने देखा कि सब हम अपनी पोजीशंस पर पहुंच गए, मैं उससे कैप्टन से बात करने के लिए सामने उसके आके नीचे खड़ा हो गया सीढ़ी के। और हमें फैसला हो गया था कि मर जाना है, क्योंकि वजह ये थी कि अब हम गन पॉइंट पे थे ना, तो हमारे पास असला था ही नहीं। तो हाँ पुलिस ने और रेंजर्स ने उसको घेर लिया था, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस भी आ चुकी थी, तो हमें ये पता था कि ये अब कहीं नहीं जाते। तो वो जब हुआ फैसला कि हमने कहा कि बस अब इनको गिराते हैं, नारे तकबीर किया, वो उनके लिए शौक था। साइमल्टेनियसली मैंने शहसवार को गिराया नीचे, चलते चलते उसको नीचे गिरा के तो मैं ऐसे घुटना उसके ऊपर दे के तो जकड़ लिया, पीछे से उसको उस्मान ने पकड़ लिया। अब इनमें से एक को धक्का दिया मेजर ने और ये गुत्तम गुत्ता हो गए। मेरे फर्स्ट ऑफिसर ने वो जो हमारी क्रैश एक्स होती है वो निकाल ली, उसने देखा इसने पकड़ लिया तो उसने वो कुल्हाड़ी उठा के तो मारी गर्दन पर हाईजैक करके। अब वो गर्दन की बजाय मेजर आमिर की उंगली में लगी
तो वो उसकी उंगली फ्रैक्चर हो गई, लेकिन उस वक्त ये हुआ कि उंगली में लगने की वजह से वो हाईजैकर उससे छूट गया। वो छूट गया तो मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा था, उस वक्त वो सीढ़ी के ऊपर था तो वो मेरे ऊपर गिरा आकर। उसने उठ के फायर किया है, किस्मत थी मेरी के फायर मुझे नहीं लगा, वो बाहर की तरफ भागा है। जैसे भागा है तो मैंने, मुझे पता था कि जो SHO लतीफाबाद है उसने कॉर्डन किया हुआ है, तो मैंने उसको कॉल की कि एक हाईजैकर भाग रहा है बाहर, तो इसको तुम पकड़ो। तो उसने मुझे बाद में बताया कि जैसे सर आपकी कॉल आई है, मैं लेटा हुआ था क्लेशनकोव के साथ, जैसे कॉल हुई है मैं खड़ा हुआ हूँ तो सीधा वो मेरी राइफल पे आया है, तो मैंने उसको वहीं पकड़ा और कहा कि वापस चलो। शह सवार नीचे गिरा हुआ है और अचानक उस पर हमला हुआ, तो वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे कह रहा हो कि यूट्यूब ब्रूटस। अभी तो तुम मेरे दोस्त थे और अभी ये क्या हो गया। उसको समझ नहीं आई कि उसके साथ क्या हो गया। जब ये सारे हमने पकड़ लिए, उनको नीचे बिठा लिया, मैंने कंट्रोल को जब कॉल की, डिप्टी कमिश्नर का कॉल साइन आदिल होता है, तो मैंने उसको कहा आदिल हैदराबाद फॉर कंट्रोल। तो वो सोचने लगा कि 6-7 घंटे से तो ये गोपीचंद कॉल कर रहा था मुझे, और अब ये आदिल अपना कॉल साइन यूज कर रहा है, तो जरूर समथिंग रॉन्ग या समथिंग गुड। तो मैंने उसको बताया कि हमने हाईजैकर उसको पकड़ लिया, पुलिस भेजो फौरन इधर जहाज पर। तो नेक्स्ट मोमेंट मैंने देखा कि 30-35 गाड़ियों की लाइट्स एकदम ऑन हुई, वो गाड़ियों की तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। उन्होंने आकर फौरन हाईजैकर्स को पकड़ा, और फिर जब हम गए अंदर गए सारे, तो फिर कोर कमांडर साहब तशरीफ रखते थे, अभी भी आते हैं, और चीफ मिनिस्टर लियाकत जतोई साहब थे, और IG साहब आफ्ताब नबी साहब थे, मुश्ताक शाह साहब थे हमारे, DIG साहब थे। तो बस फिर इट वाज ऑल गुड। जहां ये जाना चाह रहे थे चंडीगढ़ में, वहां इनके कोई हैंडलर्स थे, इनके पास लिखी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो इन्होंने वहां जाकर चंडीगढ़ में करनी थी। पाकिस्तान हुकूमत पर प्रेशर डालना था कि जी आप अटोमिक ब्लास्ट नहीं करें, हमसे कुछ दिन पहले इंडिया कर चुका था, 28 को हमने अटोमिक ब्लास्ट किया, और जिसके रोकने के लिए ये सारी हाईजैकिंग की गई थी। तो जो मेन था गलबन को फांसी हो गई है बक्सा, इस वाक्य की 20वीं सालगिरह में फांसी हुई थी, मुझे याद पड़ता है। बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और ये जो एटमिक धमाका था, और बड़ा आसान है आज कह देना और वर्दी को गाली निकाल देना, और ये बहुत ही आसान है लोगों के लिए पुलिस को गाली निकाल देना, और आर्म्ड फोर्सेस को उतना अच्छा ना कहना जितना कहना चाहिए, और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बंदों को बड़े बड़े शेर पढ़ देना, जो हमारे सियाचिन में रह रहे हैं, जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। आप सिर्फ जाके वो बाढ़ देखिए जो पाकिस्तान की फौज ने लगाई है, कोई चढ़ के दिखा दे मुझे वहां पे। यही कहूंगा मैं नई जनरेशन से और सबसे कि जो भी आपने काम करना है वो दिल से करना है, और उसमें मतलब अपने आप कहते हैं तन मन धन लगा दो। आपके अंदर आपका जमीर मुतमैन होता है, आपका आपको एक सुकून होता है कि जी मैंने अच्छा काम किया था, रिकग्निशन मिली या नहीं मिली, एटलीस्ट मेरा दिल मुतमैन है कि मैंने एक अच्छा काम किया है। मैंने ये काम किसी अवार्ड के लिए तो किया नहीं था, मैं अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था, तो मैं मुतमैन था कि मैंने अपनी ड्यूटी अंजाम दी। अवार्ड क्या होता है, एक ड्यूटी थी मेरी, मैंने अपना फर्ज निभाया, और ड्यूटी से भी बढ़कर जब ये बात सामने आ गई थी कि उनके अजायम क्या थे, तो मैं क्या, मेरी जगह कोई भी होता तो वो डेफिनेटली उनको रोकता नहीं, आगे जाने देता।
सरकारी अफसर जो हैं वो बड़े बुरे हालात से भी गुजरते हैं कभी। अगर वो मुझे रिकग्निशन देते, मुझे अप्रिसिएशन देते, मुझे मेरा ड्यू रिवॉर्ड देते, तो मेरी जहाँ पर्सनल सेटिस्फेक्शन तो होनी ही थी, वहाँ मेरा ख्याल है पूरी पुलिस सर्विस का एक मोरल जो है वो बहुत बुलंद होता। मेरे ख्याल से अख्तर गुरचानी साहब को कायदे पुलिस मेडल मिलना चाहिए था, फॉर व्हाटएवर रीज़न उनको नहीं मिला। तो ऐसे ही डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, ये मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। मैं आमिर साहब को बड़ा मिस करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब पता नहीं हम जिंदा बच के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बहुत हमने ऑपरेशन इकट्ठे किए थे। गुरचानी साहब से रब्ता रहता है और आपके प्रोग्राम की वसात से मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सुहेल अकबर शाह साहब का और वहाँ के सारे लोगों का।